हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह दिया। गिवन ए बाइनरी ट्री विद एन नोड्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। द टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ स्पेशल नोड्स, ठीक है। ए नोड इज कंसिडर्ड स्पेशल इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लीफ इन इट्स सब ट्री सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द लीफ इज एग्जैक्टली के, ठीक है। ये बात क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर मेरे पास केस है टू गिवन है, तो ये लीफ होगी एक, तो एट एट से टू डिस्टेंस पर क्या पड़ी है, ये थ्री एक तो, ठीक है। फिर लीफ कौन कौन सी है मेरे पास, फोर फाइव और सेवन, ठीक है। फोर फाइव से टू डिस्टेंस पर कौन सी पड़ी है, वन। सेवन से टू डिस्टेंस पर कौन सी पड़ी है, वन। तो मतलब दो नोड हुई मेरे पास, एक वन और एक थ्री, ठीक है। तो दो आ गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, एक तो वन हुई है और एक अपनी कौन सी हुई भाई, थ्री। ये दो नोड अपनी होगी जी। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने को समझ में आई, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपना इस वाले एग्जांपल को बनाते हैं और अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझते हैं, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अभी। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है भाई, के मेरे पास टू है, लीफ नोड से टू डिस्टेंस पर जो जो नोड पड़ी है वो बतानी है, ठीक है। और एक नोड को एक ही बार काउंट करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम लीफ नोड पर पहुंचे, हाँ भाई, तो हमें उससे के डिस्टेंस पर देखना है, ठीक है। मतलब जब हम लीफ नोड पर पहुंचे तो उससे के डिस्टेंस पर देखना है, ठीक है। लीफ नोड पर आप कब पहुंचोगे, आपको कैसे पता चलेगा, जब नो लेफ्ट एंड नो राइट। जब किसी नोड का, जब आप किसी नोड पर होगे, उसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा और उसका राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इसका मतलब वो लीफ नोड है, ठीक है। अब मान लेते हैं आप ट्रैवर्स करते करते यहाँ पे आए, आपने देखा कि इसका ना तो लेफ्ट है ना इसका राइट है, ठीक है। और इसके ट्रैक में कौन सी नोड आई है, वन और टू नोड आई है, ठीक है। टू डिस्टेंस पर कौन सी पड़ी है, ये वन डिस्टेंस पर, ये टू डिस्टेंस पर वन पड़ी है, इसका मतलब वन कौन सर में ले लो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी। अपने को समझ में आया, चलो जी एक बार थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज किया इसको। अब जैसे ही आप ट्रैवर्स करते करते फाइव पर आए, आपने देखा नो लेफ्ट नो राइट, ठीक है। अब फिर इसके जो ट्रैक में नोड आई वो मेरे पास कौन सी आई, वन एंड टू, आपने देखा हाँ भाई वन जो है मेरे पास क्या है, इसकी जो टू डिस्टेंस पर पड़ी है वो है, ठीक है। तो वन को, अब आप वन को ऑलरेडी आंसर में फोर के केस में ले चुके हो, आपको दोबारा नहीं लेना। इससे मेरे को क्या पता चलता है, एक तो मेरे को पाथ मेंटेन करना है, ठीक है, जो जो पाथ में नोड आती चलेगी। दूसरा मेरे को क्या मेंटेन करना है, कौन सी नोड मैं ले चुका हूँ, ठीक है। अब आप नोड की वैल्यू से आपको मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि नोड की वैल्यू तो ऐसा हो सकते हैं यहाँ पर भी वन गिवन हो, ठीक है, लेकिन ये वन अलग है और ये वाली नोड अलग है, दोनों अलग अलग नोड है ना। ऐसा हो सकता है कि फिर आप देखोगे कि वन मेरा प्रेजेंट, आप देखोगे वन मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट, आपका आंसर तो वन आ जाएगा, लेकिन आंसर तो टू होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको नोड की वैल्यू से नहीं, नोड से देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई सेट बना सकते हो, सेट ऑफ क्या, नोड टाइप का, ठीक है, जिसमें आप ये वाली नोड जो आपकी रूट नोड होगी ये पुश कर दोगे। जैसे आप फोर के केस में इसका आंसर आएगा हमारा ये वन, ठीक है, तो आप इसको पुश कर दोगे, ठीक है, वन वाली नोड आपने पुश कर दी। जो फाइव के केस में ये सिमिलर आंसर आ रहा होगा तो आप देखोगे तो प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप इसको पुश नहीं करोगे, या पुश भी कर दोगे सेट तो अपने आप उसको यूनिक ही लेगा, ठीक है। जब आप एट पर आओगे लीफ पर, इसके पाथ में क्या क्या आएगा, वन, ये यहाँ पर थ्री था, वन थ्री सिक्स, मतलब इसके पाथ में वन थ्री सिक्स ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। आप देखोगे टू डिस्टेंस पर क्या पड़ा है भाई, थ्री पड़ा है, तो आप क्या ले लोगे, थ्री वाली नोड भी ले लोगे, ठीक है। जब आप सेवन पर आओगे, इसके पाथ में क्या आएगा, वन एंड थ्री, ठीक है, टू डिस्टेंस पर क्या पड़ा है, वन, लेकिन वो तो पहले ही प्रेजेंट है। फिर आप लास्ट में क्या रिटर्न कर दोगे, कितनी नोड्स है, जितना सेट का साइज होगा। तो बिल्कुल सिंपल ये काम हम कर रहे होंगे। तो इसकी टाइम और स्पेस क्या बनकर आएगी, टाइम हमारा क्या आएगा कि हम अपने ट्री को ट्रैवर्स करेंगे ऑफ एन। अब स्पेस देखो, ठीक है, स्पेस, अब आप सोचोगे कि हम तो सेट भी यूज़ कर रहे होंगे और हम तो भाई क्या कहते हैं अपना पाथ के लिए एक दूसरा वैक्टर भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ठीक है, दूसरा वैक्टर देखो, सबसे पहले क्या कर रहा है हमारा, दूसरा वेक्टर हमारा सिर्फ पाथ को स्टोर कर रहा है। जैसे वन टू फोर पर आप आए, ठीक है, तो वन टू को स्टोर किया, फिर उसके बाद उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। जैसे आप मान लेते हैं आपने फोर, वैसे हम स्टोर नहीं करेंगे, मान लेते हैं आपने कर लिया, जैसे आप इस फोर से वापस जाओगे ना, तो हम इसको डिलीट भी कर देंगे साथ के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द ट्री लेने वाला है वो स्पेस, और जो अपना
सेट ऑफ नोड्स है, ये कितना स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैक्स टू मैक्स ये क्या हो सकता है, मान लेते हैं ऐसा कुछ आपके पास ट्री गिवन है, ठीक है, आपके पास क्या है के जीरो, के जीरो मतलब लीफ नोड खुद ही स्पेशल नोड्स है चार, तो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है कि हाइट में प्लस वन कर दो। ठीक है, उससे फालतू तो होगा नहीं, वरना तो आपके कैसे आ जाएंगे, मैक्सिमम तो आपके ऐसे आ जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए ये आपका, हमने एक ट्री बनाया के वन है, तो आपका एक ये नोड आंसर होगी, एक ये नोड आंसर होगी, दो ही तो हुआ। ठीक है, और आपका जो वेक्टर जो हम पाथ को स्टोर करने के लिए लेंगे वो आपका कितना लेगा, हाइट ऑफ द ट्री, ये उसमें प्लस वन या प्लस वन ही लेगा, वैसे उससे फालतू नहीं लेगा। ठीक है, तो स्पेस जो इसका बनने वाला है वो आने वाला है हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं इसको, सबसे पहले ही हमने खोल लिया अपना, हमारा सिंपल काम है इसको ट्रैवर्स करना ट्री को, साथ में पाथ को मेंटेन करना और एक सेट लेके चलना, उसमें जो जो आंसर मैथ चलेगा उसको पुट करते चलना। ठीक है, चलो जी अभी क्या करते हैं इसको सी प्लस प्लस में सबसे पहले जाकर करते हैं कोड। देखो जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मान लेते हैं हेल्प फंक्शन बनाएंगे, उसमें मेरी रूट भी जाएगी, उसमें मेरे पास के भी जाएगा। ठीक है, और साथ में मेरे पास और क्या भेजना चाहिए हमें, है ना, एक तो वेक्टर भेजना चाहिए जो मेरा पास स्टोर करेगा, वेक्टर ऑफ नोड, ठीक है, वेक नाम से बना लेते हैं, और एक मेरा बनेगा सेट, अन ऑर्डर्ड सेट, हमें ऑर्डर्ड तो चाहिए नहीं, सॉर्टेड तो चाहिए नहीं, ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ नोड का ही बनाएंगे ये भी। ठीक है, ये बन गया मेरा एक, हमें और क्या चाहिएगा यार अपने को, वैक पास करते हैं, एस पास करते हैं एक, हाँ एक जीरो पास करते हैं जो मेरा इंडिकेट करेगा किस करंट लेवल पर हूँ मैं। ठीक है, ताकि आप किसी लीफ नोड पर आते हो उससे टू डिस्टेंस ऊपर कौन सी नोड पड़ी है हम एकदम से फाइंड कर लें। ठीक है, उसके लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है जी, इसके बाद मेरे को क्या रिटर्न कर देना है, आर ई टी ओ आर एंड एस डॉट साइज, सेट का जो भी मेरे पास साइज बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हेल्प फंक्शन बनाते हैं, वॉइड हेल्प। ठीक है, अब मेरे पास एक तो रूट इंट के, और मेरे पास क्या आ रहा है, वेक्टर ऑफ, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, सेट ठीक है, इसको बाय रेफरेंस लेते हैं, और मेरे पास क्या आ रहा है भाई, लेवल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को, अगर रूट नल सिंपल रिटर्न, ठीक है, अगर रूट का लेफ्ट भी नहीं है एंड रूट का राइट भी नहीं है, इसका मतलब वो क्या है भाई साहब, वो क्या है, वो है एक लीफ नोड। ठीक है, अगर वो लीफ नोड है, अब देखो मेरे पास एक ये एजुकेशन टाइप बनता है कि अगर के मेरे पास जीरो, इसका मतलब लीफ नोड खुद ही एक आंसर है। ठीक है, तो मेरे को क्या कर देना भाई, सिंपल सेट में इंसर्ट क्या कर देना है, जो लीफ नोड है मेरे पास वो, बिल्कुल सिंपल, एल्स इफ, एल्स इफ मेरे को क्या चेक करना है कि जो पाथ आया है मेरे पास, ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास पाथ आए, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है, कि आपके पास है दो लीफ नोड, तो ये भी है, लेकिन इससे क्या दो ऊपर कुछ पड़ा है नहीं, उसके पाथ में तो सिर्फ आपको एक ही नोड मिलेगी। ठीक है, उसके पाथ में नोड मिल रही होगी आपको एक, लेकिन के है दो, तो आपको क्या करना है, वन माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, मतलब पाथ में हम इंडेक्स एक्चुअल में फाइंड कर सकते हैं या नहीं, उस नोड का पाथ में नोड एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ठीक है, मतलब इतने ऊपर तक हमारे पास नोड है भी या नहीं, तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि वैक का, ठीक है, इसको एक बार ओके कर देते हैं, वैक का साइज भी हमें करने की जरूरत नहीं है, हम लेवल लेके चल रहे हैं, लेवल माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या नहीं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें सिंपल क्या करना है भाई, एस डॉट इंसर्ट अगर है, ठीक है, एस में इंसर्ट क्या कर देना है, वैक में से लेवल माइनस के इंडेक्स पर जो पड़ी है, इसका मतलब इस करंट लीफ नोड के लिए ये वाली जो नोड है, वैक लेवल माइनस के वाली जो नोड है वो क्या हुई भाई, स्पेशल नोड हुई, इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो अपने आप यूनिक लेगा अपना सेट, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर आकर कर देंगे इसको रिटर्न और टी यू आर एन। ठीक है, चलो जी, उसके बाद हमें क्या करना है, वैक में पुश बैक कर देना है, जिस करंट रूट पे हमें वो पुश बैक भी हमें कर देनी है। ठीक है, क्योंकि अगलों के लिए तो पाथ में आएगी ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट पे ट्रैवर्स करना और राइट पे ट्रैवर्स करना है, और जब लेफ्ट और राइट जाओगे तो लेवल प्लस वन भी हो जाएगा जी।
हेल्प ऑफ रूट ऑफ राइट कॉमा के कॉमा वैक कॉमा एस कॉमा लेवल प्लस वन। ठीक है, अब जब इस वाली नोड का काम ख़त्म हो जाएगा तो इसको, जैसे मैंने आपको कहा था कि खाली हाइट ऑफ द ट्री तक ही जाएगा ये, इसको पॉप बैक भी कर देना। ठीक है, हम इसको डिलीट भी कर देंगे साथ के साथ अपने वेक्टर में से, इसका आगे कोई काम नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो जी एक बार क्या करते हैं, चला के देख लेते हैं ना, हो सकता है भाई कोई कुछ गलत लिख दिया हो, बाकी फिर भी चला के देखते हैं एक बार। ठीक है जी, सही चल रहा है, एक बार सबमिट करते हैं। और सेम पैटर्न में जावा कोड भी लिखा हुआ है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर ये सबमिट होता है तो। ये हुआ सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमने वेक्टर की जगह अरे लिस्ट बना ली, सेट बना लिया। ठीक है, हेल्प फंक्शन सिंपल कॉल करा, अगर रूट नल है तो रिटर्न, अगर लीफ नोड है तो चेक करा कि के अगर जीरो है तो लीफ नोड ही मेरी आंसर्स में होंगी। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर लीफ नोड नहीं है तो उस पाथ में जो भी उसकी स्पेशल नोड होगी ऊपर, उसका इंडेक्स गेट कर लिया। ठीक है, और वो अपना क्या कर लिया, जो भी अरे लिस्ट है उसमें से गेट करके अपना सेट में इंसर्ट कर दिया, यूनिक अपने आप रहेगी वो। ठीक है, उसको अपना पाथ में ऐड करा जिस करंट नोड पर हम हैं, ताकि वो नेक्स्ट वालों के पाथ में आ जाए, लेफ्ट और राइट मूव करें। ठीक है, काम खत्म होने के बाद इसको रिमूव भी कर दिया। एक बार आपको इसको भी सबमिट कर दिखा देता हूँ जी। और गाइस, दोनों कोड का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।